अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सब मैं हूँ शबाना, शबाना किचन में आपका इस्तकबाल है। आज किचन ही क्लीन करने के लिए लिया था मैंने। आज क्लीन किचन करने के बाद काफ़ी सारा काम था, तो मैं बोली कि चलो आज ना इसका वीडियो डाल देती हूँ। आज थोड़ा सा काम बढ़ गया था घर में, बहू को भी छुट्टी थी, तो किचन साफ़ करने के लिए निकाला था मैंने आज। टिफ़िन वगैरह बहुत गंदे हो गए थे, जो हम लोग वीकली बाज़ार भरते हैं ना, तो वो डब्बे वगैरह बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो आज घस भी लेते हैं और आज उसका वीडियो भी बना लेते हैं, तो इसलिए आज चलो मैं बोला। सब बोल रहे थे कि मुझे क्लीनिंग कैसे करते हैं आप, इतने इतने टाइमिंग में कैसे कैसे एडजस्ट कर लेते हो, आपकी बहू तो सुबह चली जाती है, आप कैसे काम करते हो? तो मैं बोला चलो आपको भी बताती हूँ कि आज कैसे क्लीनिंग किया मैंने, कैसे हम लोग टाइमिंग को एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करना भी चाहिए क्योंकि हम लोग 5 टाइम की नमाज़ वगैरह पढ़ना रहता है, तो काम कैसे करेंगे? तो हमको 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी ही है, कुरान शरीफ पढ़ना ही है, वजीफ़े करना ही है, तो जो सूरह वगैरह है, ऐतल कुर्सी, यासीन शरीफ, ये तो रोज़ पढ़ना ही पड़ता है ना सुबह में, तो इसके लिए टाइम हमारा अपने आप एडजस्ट किया हुआ है सब कुछ। तो मैं बीच में फिर 8 दिन के अंदर वो काम पढ़ाई रखती हूँ और 8 दिन में यही काम करती हूँ, तो इसलिए मैंने बोला चलो आज तुमको वीडियो डाल देती हूँ कि मैं 8 दिन में कैसे क्लीन वगैरह करती हूँ। अभी आज मैंने किचन साफ़ किया, अभी अगले संडे को मैं हॉल साफ़ करने वाली हूँ, तो सब कुछ हो जाता है, घर भी क्लीन रहता है और हम लोग 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ते हैं, अल्लाह को भी याद करते हैं ना, अल्लाह को भी याद करना चाहिए, और अपने काम अपनी जगह पर होता है, इबादत अपनी जगह पे होती है, तो इबादत भी करना चाहिए कि हर टाइम काम 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 नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखो हम फटाफट फटाफट दोनों सास बहू ने मिलके टिफ़िन वगैरह, क्योंकि अभी वो भी थोड़ी सी थक जाती है, तो मैं बोला चलो कि तू मेरे को खाली करके दे दे, मैं सब क्लीन करती हूँ। तो मैंने घस भी लिए डब्बे और उसके बाद साफ़ करके एक कपड़े से उसको भरना भी शुरुआत कर दिया मैंने, तो ऐसे आदत सी पड़ गई है कि पहले से काम करते हैं ना हम लोग, तो काम करते करते इतनी आदत सी पड़ जाती है कि बराबर उस टाइमिंग में हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से बहू भी थी हाथ के नीचे, तो फटाफट फटाफट करने में कुछ टेंशन नहीं आया मुझे। तो देखो इस तरह से क्लीनिंग करना चाहिए, तो और हर डब्बे को ना अपने बहू को और अपने खुद को भी मालूम होना चाहिए कि क्योंकि घर में दो ही औरतें रहती है ना, बहू रहती है और सास रहती है, तो दोनों को अपने हिसाब से साथ में रह के भरना चाहिए सब डब्बे वगैरह। तो 8 दिन में ये डब्बे भी घान नहीं होते, हाथ भी नहीं लगते गंदे उसको, क्योंकि हमें पता रहता है कौन से टिफिन में क्या रखा हुआ है ना, ये कोई कोई भी टिन रहने दो उसके अंदर जो भी रखा हुआ तो पता रहता है, कि फिर हम लोग उसी हिसाब से अलमारी में भी डब्बे लगाते हैं कि ये 1 नंबर में ये रखा हुआ है, 2 नंबर में वो रखा है। ये दाल मैं ऊपर से इसलिए कर रही हूँ कि जो भी भूसा रहता है ना हमारा थोड़ा बहुत बच जाता है, तो अभी ये सो एंड एंड रह गया है, अभी जो अभी हमारा बाज़ार आने वाला महीने का, तो डब्बे भी साफ़ हो गए और जो बची हुई दालें रहती ना तो ऊपर से छान के और ऊपर फैन चालू कर देना, तो जो धुआं है ना पूरा वो निकल जाता है। और ये मसाले की जो है ना पूड़िया, मैं अभी आपको बता रही हूँ हर चीज़ की मसाले की, ये तड़का है नहीं क्या, वो तर्री आती है तर्री मसाला, तो हर चीज़ का हमने अलग से मसाले का डब्बा रही है, मतलब कभी किसी ने पूछा भी कि मसाला किस चीज़ में रखे हुए है ना, टिक्का मसाला ये वो, तो ढूंढना नहीं पड़ता, बहू को भी ढूंढना नहीं पड़ता और वो भी मुझे, मैं उसको भी बता देती हूँ कि इसमें सब मसाले वसाले रखे हुए, तो यही टिफ़िन निकालो, तो आराम से वो दूसरे डब्बों को चेक करने का नौबत ही नहीं आती है ना। तो देखो इसके अंदर मैंने एक ये मसाले वाला डब्बा ये अलग से रखा हुआ प्लास्टिक का, और ये कस्तूरी मेथी वगैरह की मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस कस्तूरी मेथी भी कैसे यूज़ करती हूँ, कुछ भून के रखती हूँ कुछ सूखी रखती हूँ। देखो ये मैंने पापड़ भी बनाए घर में ही बनाए हुए, सब घर में ही बनाते हम लोग, बाहर का कुछ नहीं लाते, ये धूप जैसे भी छुट्टियाँ लग जाती है ना धूप काली की, समर डे शुरू हो जाता है ना, तो तब हम लोग पापड़ वगैरह सब बना के रखते हैं, क्रोडिया पापड़ जो कुछ उड़ीद के दाल के बनाए, कुछ मूंग और उड़ीद के बनाए, देखो इस तरह से घर में बनाए हुए। तो वही मुझे सब बोल रहे थे कि भाई आप कैसे टाइमिंग एडजस्ट कर लेते हो, सब कैसे बना लेते हो, तो मैंने बोला कि मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ कैसे करती हूँ, क्या हो जाता है जब मैं लाइव जाती हूँ ना, तो मुझे जो ऑडियंस है मेरे व्यूवर्स है ना वो पूछते हैं कि भाई बीच में आंटी ये भी डाला करो कि आप कैसे करते हो, तो हमें भी आपसे थोड़ा सा सीखने को मिल जाएगा है ना, तो होता है एक दूसरे को सीखने से हर एक चीज़ एडजस्ट हो जाती है ना, सीखना भी चाहिए क्योंकि अभी आजकल की लड़की है, अभी अभी नई नई शादी होती है, नए नए स्कूल में जॉब वगैरह करते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है किस तरह से करना चाहिए, तो हमको भी उनको बताना चाहिए। तो देखो इस तरह से साफ़ वगैरह करके रख दिया ना क्लीन करके, तो गंदे भी नहीं होते डब्बे, और एक कपड़ा लेके बैठना चाहिए, वो कपड़ा मैं ऐसे लिया हूँ ब्लैक कलर का,